नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत गन्ना किसानों को 50,000 रुपए जीतने का मौका मिला है। इसके लिए किसानों को गन्ना उत्पादक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। गन्ना विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गन्ना उत्पादकता प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर किसान 50,000 रुपए का इनाम कमा सकते हैं। आपको बता दें, यह प्रतियोगिता पेड़ और पौधा दो वर्गों में आयोजित किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, आरक्षण मांगने के कारण नियुक्ति में नहीं हो सकता है भेदभाव। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण लेने के कारण नियुक्ति देने में भेदभाव नहीं किया जा सकता। सामान्य वर्ग की चयनित महिला अभ्यर्थी से अधिक अंक हासिल करने वाली ओबीसी कोटे की याचियों को नियुक्ति पाने का हक है। कोर्ट ने यह बात शुक्रवार को पुलिस कांस्टेबल भर्ती में नियुक्ति देने के मामले में कही। दरअसल पिछड़ा वर्ग के क्षैतिज आरक्षण के असफल होने व सामान्य कोटे की चयनित महिला अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने के बावजूद याची को पुलिस कांस्टेबल भर्ती में नियुक्ति नहीं मिली। ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों का धरना 126वें जारी। शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगा ओबीसी एससी मोर्चा का धरना लगातार 126वें दिन जारी है। नाराज अभ्यर्थियों ने अब 23 नवंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। दरअसल पिछले महीने इसको लेकर कमेटी बनी थी, लेकिन उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। इतना ही नहीं, आईएएस मुकुल सिंगल ने नेतृत्व में कमेटी बननी थी, लेकिन अभी तक वो बन नहीं पाई। मंत्री टेनी की गिरफ्तारी नहीं होने का विरोध, 26 अक्टूबर को यूपी के तहसील थानों में धरना। 3 कृषि कानूनों समेत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ किसानों ने 26 अक्टूबर को यूपी समेत कई राज्यों में प्रदर्शन की तैयारियां तेज कर दी हैं। 26 को सभी जिलों, तहसीलों व पुलिस थानों पर प्रदर्शन होगा। 14 नवंबर को पीलीभीत में किसान महापंचायत बुलाई गई है। वरिष्ठ किसान नेता गुरनाम सिंह चिड़ूनी ने बताया कि पूर्व में 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसान महापंचायत होनी थी, जो अब 22 नवंबर को होगी। यूपी के 16 लाख कर्मचारियों को इस बार मिल सकती है ज्यादा सैलरी। यूपी के 16 लाख राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार इस बार अक्टूबर की सैलरी के साथ उनके खाते में कुछ रकम बढ़ाकर देने वाली है। इस बार सैलरी के साथ साथ बोनस का भी तोहफा मिल सकता है। मतलब दीपावली से पहले अक्टूबर के वेतन में बढ़ाकर डीए और बोनस के रूप में मोटी रकम मिलेगी। सूत्रों की माने तो दीपावली से पूर्व 3% महंगाई भत्ते देने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को भी डीए की यह किस्त दीपावली से पहले मिलने की उम्मीद है। ग्राहकों से फ्रॉड करने वाले बैंकों और संस्थाओं पर होगी कठोर कार्यवाही, एक्ट को दी मंजूरी। जमा धनराशि पर अधिक रिटर्न और अन्य लाभों का लोभ देकर ग्राहकों से धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ अब कठोर कार्यवाही हो सकेगी। केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की लूट रोकने के लिए बनाए गए बैंकिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट को राज्य में लागू करने का फैसला लिया गया है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिपरिषद ने राज्य स्तर पर सक्षम पद अधिकारियों की नियुक्ति व अभिहित न्यायालयों के गठन के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बनेंगे 4 फ्यूल एक्सटेंशन, कहां तक पहुंचा निर्माण कार्य। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 4 फ्यूल एक्सटेंशन बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर 74% निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अब तक कुल 6,900 यानी 94% हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। बताया जा रहा है यूपीडीए के सीईओ अवनीश अवस्थी ने बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रिकॉर्ड समय में अब तक कुल 222 किलोमीटर लंबाई में कार्य पूरा किया जा चुका है, यानी इतनी सड़क पूर्णतः बनकर तैयार भी हो चुकी है। प्रदूषण से निपटने के लिए मेरठ मंडल के सभी जिलों में 15 फरवरी तक ग्रेप लागू। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर मेरठ मंडल के सभी जिलों में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप लागू कर दिया गया है। ग्रेप 15 फरवरी तक मेरठ मंडल में लागू रहेगा। इसके चलते कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने पुलिस व प्रशासनिक अफसरों को सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कूड़ा कहीं ना जले और जाम ना लगे, इसकी जिम्मेदारी नगर आयुक्त, नगर पालिका व ट्रैफिक पुलिस की हो। मानदेय की मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने किया धरना। आशा कार्यकर्तियों ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मानदेय की मांग और कोरोना काल का भुगतान नहीं होने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। आशा कार्यकर्तियों ने कहा कि कोरोना काल में उनके वैक्सीनेशन का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में वे अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं, लेकिन फिर भी उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है और न ही उनकी कोई सुरक्षा की जा रही है। 5,000 लेकर आओ, गोली लगाकर खरीदे पुराने वाहन। पुराने दो पहिया वाहनों को लेने वालों के लिए अब सुनहरा मौका है। दिवाली पर चल रहे सफाई अभियान की कड़ी में कानपुर सेंट्रल के पार्सल घर में जमा वाहनों की नीलामी 3 नवंबर को की जाएगी। बोली लगाने वालों को एडवांस में 5,000 रुपए की राशि नगद जमा करानी होगी।
कार्गो सेंट्रल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वाहन खरीदने के लिए इच्छुक लोग 3 नवंबर को सुबह 11 बजे सेंट्रल स्टेशन पहुंचे। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।